सीनियर सहाफी डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना है कि दुनिया में जो बड़ी कुव्वतें हैं उनको इमरान खान पसंद नहीं है। वो जितनी मर्जी इमरान खान की आवभगत कर लें, तारीफें कर लें, साथ बिठा लें, लेकिन वो एक शख्सियत के तौर पर उनको पसंद नहीं करते। इसकी वजह यह है कि इमरान खान जब से पाकिस्तान में इक्तदार में आए हैं, इमरान खान के वजीर आजम बनने में किसी आलमी कुव्वत का कोई किरदार नहीं रहा। इमरान खान के साथ बेशुमार ममालिक के सदर और वजीर आजम नजर आएंगे, लेकिन अगर इनके ममालिक की ब्यूरोक्रेसी और मीडिया के लोगों से बात करें तो मालूम होगा कि वो इमरान खान को शदीद नापसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले भारतीय मीडिया इनकी तारीफों के पुल बांधता था, और अब वही भारतीय मीडिया इनके वजीर आजम बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत को छोड़कर सिर्फ इमरान खान की बात करता है। ऐसा रवैया पहले नहीं था। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान इस वक्त न्यूयॉर्क में है। एक तरफ जहाँ वो मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालम को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं, वहीं दुनिया को ये भी पावर करवा रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ एक है जो कि अमन पसंद है और इसमें इंतहा पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम इमरान खान इस वक्त अमरीका में मौजूद हैं, जहां वो 27 सितंबर को अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका में क्याम के 2 रोज के दौरान 14 मुलाकातें कर ली और रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने अमरीका, बरतानिया, ईरान, चीन, तुर्की, इटली के रहनुमाओं से मुलाकात की। अमरीका में क्याम के एक हफ्ते में वजीर आजम इमरान खान 70 से ज्यादा मीटिंग्स करेंगे। जरा ने बताया है कि मासी में किसी भी पाकिस्तानी हुक्मरान का अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के लिए दौरा अमरीका के दौरान इस कदर भरपूर शेड्यूल नहीं था। मासी में किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के पहले दिन आलमी ताकतों से इस पैमाने पर राबता नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान की शख्सियत दुनिया भर में एक बार फिर नए तरीके से उभरी है, जिससे आलमी रहनुमा खास तौर पर भारत शदीद खतरा महसूस कर रहा है।